ये रखिए आपकी अमानत, आपका हार। हमारा कोई हार वार नहीं है। सुबह सुबह मजाक दोपहर को करेंगे, चलेगा? अरे करोड़ों में एक है वो। ए, म्यूजिक प्ले करो ताकि माइंड डाइवर्ट हो जाए। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और तुम्हें दिल मजबूत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकेबी मीडिया में एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मास महाराजा रवि तेजा की फिल्म धमाका के शुरुआती चार दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और पिछले हफ्ते से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही फिल्म अवतार 2 के 11 दिनों के भी वर्ल्ड वाइड अपडेटेड कलेक्शन के बारे में। इसके अलावा बात करेंगे बॉलीवुड की फिल्म सर्कस के चार दिनों के कलेक्शन के बारे में और थालापति विजय सर की फिल्म वरिष्ठों के भी बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। सबसे पहले अगर बात करें फिल्म धमाका के बारे में, तो दोस्तों 30 करोड़ के बजट में बनी धमाका फिल्म ने 3 दिनों में ही अपने बजट से ज्यादा कमाई कर ली। जी हाँ दोस्तों, रवि तेजा की धमाका फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ कमाए थे तो 2 दिनों में फिल्म का कलेक्शन 19 करोड़ का हो चुका था। वही दोस्तों फिल्म ने 3 दिनों में वर्ल्ड वाइड मार्केट से टोटल कमाई 32 करोड़ की कर ली थी। वही दोस्तों यहां पर धमाका फिल्म अपने चौथे दिन वर्ल्ड वाइड मार्केट से लगभग 5 करोड़ रुपए कमा रही है। यानी कि दोस्तों रवि तेजा की धमाका का शुरुआती 5 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हो रहा है 37 करोड़, यानी कि 37 करोड़ रुपए। बता दे दोस्तों धमाका फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। वही अब अगर बात करें फिल्म अवतार 2 के बारे में, तो दोस्तों अवतार 2 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह की कमाई की है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि दोस्तों फिल्म ने जहां पहले हफ्ते में इंडिया से नेट कलेक्शन 193 करोड़ 80 लाख रुपए का किया था, वही शुरुआती 10 दिनों में फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 252 करोड़ 85 लाख रुपए का हो चुका था। वही दोस्तों ये फिल्म अपने 11वें दिन इंडिया से कलेक्शन 12 करोड़ का कर चुकी है। यानी कि दोस्तों अवतार 2 का शुरुआती 11 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 264 करोड़ 85 लाख रुपए का हुआ है, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 320 करोड़ रुपए। वही बात करें इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों अवतार 2 ने दुनिया भर से $855 मिलियन की कमाई की है, जो कि लगभग 7000 करोड़ रुपए होते हैं। तो दोस्तों फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है ब्लॉकबस्टर, लेकिन फिल्म को दुनिया भर में हिट होने के लिए मिनिमम $1 बिलियन की कमाई करना होगी, जो कि आने वाले 4-5 दिनों में फिल्म आसानी से कर जाएगी। वही दोस्तों बात करें रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से दम तोड़ दिया। मतलब कि 85 करोड़ के बजट में बनी सर्कस फिल्म ने 3 दिनों के अंदर इंडिया से नेट कलेक्शन 21 करोड़ का किया था, वही ग्रोस कलेक्शन 24 करोड़ का। बात करें फिल्म के चौथे दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों यहां पर सर्कस फिल्म चौथे दिन इंडिया से नेट कलेक्शन 3 करोड़ का कर पाई। इसी के साथ दोस्तों सर्कस फिल्म का शुरुआती 4 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 24 करोड़ का हुआ, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 28 करोड़ रुपए, तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 37 करोड़ रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों सर्कस फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से डिजास्टर हो चुकी है। वही अब अगर बात करें थालापति विजय सर की फिल्म वरिसु के बारे में, तो दोस्तों वरिसु जो कि तमिल, तेलुगु और हिंदी 3 भाषाओं में एक साथ रिलीज होगी और इस फिल्म में हमें थालापति विजय सर के साथ देखने को मिलेगी रश्मिका मंदाना। तो दोस्तों अभी तक इस फिल्म के 2-3 गाने रिलीज हुए हैं, लेकिन सभी गाने तमिल और तेलुगु में रिलीज किए गए हैं। तो यहां पर थालापति विजय सर के जितने भी फैंस हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर वरुसी के हिंदी अपडेट या हिंदी टीजर गाने कब आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बता दे कि ये बात 100% कंफर्म है कि वरुसी फिल्म हिंदी डब में भी रिलीज होगी, क्योंकि फिल्म के जो प्रोड्यूसर है दिल राजू, उन्होंने कुछ दिन पहले ही कंफर्म किया था कि वरिष्ठ फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु 3 भाषाओं में रिलीज की जाएगी। अब दोस्तों यहां पर वरिष्ठ फिल्म को लेकर यह अपडेट है कि इस फिल्म का जो टीजर है वो रिलीज होने वाला है 31 दिसंबर। जी हां दोस्तों, 31 दिसंबर को वरिष्ठ का जो टीजर है वो यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों हिंदी टीजर कब आएगा इसको लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। 31 दिसंबर को जो टीजर आने वाला है वो होगा तमिल टीजर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप
जल्द से जल्द इस फिल्म के हिंदी गाने और हिंदी टीजर को भी रिलीज कर दिया जाए। वैसे दोस्तों थलापति विजय सर की फिल्म वारिसु को आप हिंदी डब में सिनेमा घरों के अंदर देखने जाएंगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।